और सभी मोदी जी से परेशान हैं, दो गुजरातियों से परेशान हैं। बेईमानी की बात अलग है, वरना 5 लाख वोट जीते, सातों सीट इंडिया गठबंधन दिल्ली में जीते। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है राज्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, जो उत्तर पश्चिमी दिल्ली से चुनाव भी लड़े हैं। सर पहले तो आदरणीय स्वागत है, धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, चुनाव हो चुका है, क्या उम्मीदें लग रही हैं? करीब 5 लाख वोट से हम जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी का न वोटर दिखाई पड़ा लाइन में, न ही कार्यकर्ता, और सभी मोदी जी से परेशान हैं, दो गुजरातियों से परेशान हैं, और व्यापारी वर्ग इसलिए परेशान है कि चाहे राम मंदिर के आसपास के होटलों का है, या सड़क बनाने का, या टोल टैक्स, जल बोर्ड, सारा ठेका गुजरातियों को दिया गया। ऐसे लगता है कि पूरे गुजरात को ही पूरा देश है। दूसरी बात है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का काम नहीं होता है, 10 साल तक झूठ बोला। तीसरी बात है कि इन्होंने बेरोजगारी इतना बढ़ा दी, महंगाई इतना बढ़ा दी कि वो भी बहुत प्रभावित है। ऐसे में वहाँ चुनौती नहीं, उत्तर पश्चिम लोकसभा में भारी मत से हमारी जीत होगी। योगेंद्र चंदेलिया भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, जो आपके सामने करते हैं। वो तो बताएगा, समय बताएगा, और उनके लोग चुनाव वोट देने दिखाई नहीं पड़े तो कहाँ से जीत पाएंगे। बेईमानी की बात अलग है, वरना 5 लाख वोट से जीते। बीजेपी 400 पार का सर नारा दे रही है, अब तो 300 तक आ गए, अभी 150 तक आ जाएंगे, नहीं तो जनता 150 तक लागेगी, 100 तक लागेगी। कह रहे हैं बीजेपी के लोग कि इस बार इंडिया गठबंधन की आरोपी साथ दिल्ली की सीट हम जीत रहे हैं, और सबसे ज्यादा आपकी सीट पर वो मार्जिन की बात कर रहे हैं। सातों सीट इंडिया गठबंधन दिल्ली में जीते। क्या प्राथमिकता रहेंगी सर आपकी? पहले मैंने पहले प्राथमिकता बता दिया, जो 2018 में हमने काम छोड़े थे, मंजूर करा दिए थे, पास किए थे, और वो पूरा नहीं हुआ था, उनको पूरा करना है। और नरेला है, बवाना है, ये क्षेत्र की कनेक्टिविटी मेट्रो से नहीं है, उनको जोड़ना है। जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनमें जलमग्न है, उनको ठीक करना है। फाटक बंद रहते हैं, रेलवे और ब्रिज हमने मंजूर कराया था 2018 में, अब उनको पूरा कराया गया, तो तमाम सारी चुनौतियाँ। कल सोमनाथ भारतीय जनता गठबंधन का ऐसा उन्होंने तमाम आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, और बूथ पर भी उन्होंने कई वीडियो भी दिखाई। काफी किया है उन्होंने, हर जगह किया है, फिर भी हम लोग सातों से जीते। आपके साथ में सर आपने भी कल बोला था कि आपके जो कार्यकर्ता थे उनको वो बहुत परेशान किया है, बूथ एजेंट को जाने नहीं दिया, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा लगा। तो आप जीत को लेकर बहुत गेट का वहाँ जाके देख लीजिए, अपने क्षेत्र में जो बीजेपी का वोटर नहीं निकला काम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अवधूत राज्य दिल्ली से निखिल कुमार, आधा हिंदी।